ये देखिए सत्तू के लड्डू बनके तैयार हो गए। तो बहुत आसानी देखिए बन गए, बहुत टाइम भी नहीं लगा इसको बनाने में और काफ़ी स्वादिष्ट होते हैं, हेल्दी भी बहुत होते हैं। तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करिए। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। आप अपने अनुभव भी हमसे ज़रूर शेयर करें। हेलो दोस्तों, काव्या किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे सत्तू के लड्डू। तो देखिए इसके लिए हमने ये एक कटोरी सत्तू लिया है, ये होममेड सत्तू है। तो इसकी रेसिपी मैंने अपने चैनल पे शेयर भी की है कि हम सत्तू घर पे कैसे बना सकते हैं। और ये हमने एक कटोरी से थोड़ा सा कम पाउडर शुगर लिया है, आप चाहो तो इसमें बूरा भी डाल सकती हैं। और ये हमने इलायची पाउडर लिया है, कुछ हमने बादाम लिए हैं, आप अपने मनपसंद ड्राई फ्रूट्स डाल सकती हैं। और ये आधी कटोरी हमने देसी घी लिया है। तो सबसे पहले हम सत्तू भूनेंगे। ये देखिए हमने आधा घी इसमें डाल दिया है कढ़ाई में, हम इसमें सत्तू भून लेंगे। आधा घी अभी हमने डाला है, आधा हम बाद में डालेंगे। ये देखिए घी गर्म हो गया, तो इसमें हम ये सत्तू डाल करके और भून लेंगे हम। तो इसे ज़्यादा नहीं भूनना है क्योंकि सत्तू जो होता है पहले से हम इसे भून के बनाते हैं, तो इसे ज़्यादा भूनना नहीं होता है। तो हम थोड़ा ही इसको भूनना है, बस इतना खुशबू आने लगेगी, बस इतना ही हमें इसे भूनना है। ये देखिए ये भूनने लगा है, तो इसमें थोड़ी तो खुशबू आने लगी है। तो इसमें जो हम घी बचा है इसको भी डाल देंगे हम, इसको हम भून लेंगे। इसके लड्डू बहुत स्वादिष्ट बनते हैं। ये देखिए सत्तू अच्छे से भून गया है, तो इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। गैस की फ्लेम हम ऑफ़ कर दे रहे हैं। ये देखिए इसको हमने प्लेट में निकाल लिया है, तो इसको हम पूरी तरह से ठंडा कर देंगे, तब हम इसके लड्डू तैयार करेंगे। इसमें अभी हम चीनी नहीं मिलाएंगे, वरना चीनी पानी छोड़ देगी। तो इसको हम पूरी तरह से ठंडा करने के लिए रख दे रहे हैं। तब तक हम बादाम है उसको हम कट करेंगे। ये देखिए ये अच्छी तरह से ठंडा हो गया है, तो इसमें अब हम ये पाउडर शुगर जो हमने लिया ये मिक्स कर देंगे। तो इसकी क्वांटिटी आप कम ज़्यादा कर सकती हैं, जितना भी आपको कम ज़्यादा मीठा पसंद है। तो हमने अभी आधा ही डाला है, तो इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए इसमें अच्छे से हमने जो पाउडर शुगर था मिक्स कर दिया है। तो इसमें हम ये इलायची पाउडर इसको डाल दे रहे हैं, और ये बादाम, इनको हम मिक्स कर लेंगे और इसके हम लड्डू तैयार करेंगे। देखिए इसके लड्डू बहुत आसानी बन जाते हैं, बहुत जल्दी बनते हैं और काफ़ी ये हेल्दी होते हैं खाने में। ये देखिए तो इसके लड्डू हम तैयार कर ले रहे हैं इस टाइप से, ये बहुत जल्दी बन जाते हैं, काफ़ी हेल्दी होते हैं खाने में ये। तो इसकी साइज़ आप अपने हिसाब से छोटी बड़ी कर सकती हैं। ये देखिए सत्तू के लड्डू बनके तैयार हो गए। तो बहुत आसानी देखिए बन गए, बहुत टाइम भी नहीं लगा इसको बनाने में और काफ़ी स्वादिष्ट होते हैं, हेल्दी भी बहुत होते हैं। तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करिए। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाएं। आप अपने अनुभव भी हमसे ज़रूर शेयर करें।